नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम काली पहाड़ की ओर जा रहे हैं और एक दोस्त है मेरा, उसके साथ जा रहे हैं। आइए मिलाते हैं उस दोस्त से। ये रहा मेरा दोस्त और हम जा रहे हैं आज काली पहाड़। अगर आप भी काली पहाड़ घूमना चाहते हैं तो जमालपुर रेलवे स्टेशन से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है और आराम से आप प्राइवेट गाड़ी से या फिर आप रिजर्व करके जा सकते हैं। घूमने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है काली पहाड़। यहाँ पे आप नेचर को महसूस कर सकते हो, इतना सौंदर्य नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ आने पे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। चलेगा। बारिश के दिनों में झरने की वजह से यह स्थान और भी खूबसूरत हो जाता है। काली पहाड़ के जस्ट नीचे आ चुके हैं और अब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे और उसके बाद हम काली मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ का आपको दर्शन कराएंगे और भव्य नज़ारा दिखाएंगे चारों बगल का। देखिए काली पहाड़ कितना सुंदर है और घूमने के लायक कितना अच्छा सा है। अब हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। आप देखिए अब यहाँ से कितना हाइट है, ऊपर से सब कुछ नीचे छोटा छोटा दिखता है और यहाँ पे देखिए पूरा रास्ता जो है पथरीला है और कुछ दूर और चलना है यहाँ से और तब जाके हम काली मंदिर पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस रास्ते का भी आनंद लेते हैं। जिस जगह अभी हम जा रहे हैं, बल्कि जिस जगह हम मौजूद हैं अभी, उस जगह नए साल के पिकनिक के लिए काफ़ी मशहूर जगह ये है और काली पूजा में भी काफ़ी भीड़ लगता है इस जगह पे, क्योंकि माँ काली का ही मंदिर है। और ये सब जो रास्ता आप देख रहे हैं काफ़ी कठिन है, चलने में थोड़ा मुश्किल आता है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। तो हर जगह कहीं पहाड़ पत्थर थोड़ा सा टकरा जाने का डर होता है। सावधान रहिए और सतर्क रहिए, इसी में हम सब की भलाई है। चलिए पहाड़ के ऊपर से आपको हम जमालपुर का नज़ारा दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने जो पहाड़ है, इस पे फिल्टर है और ये केंद्रीय विद्यालय हुआ और जो आप पीछे देख पा रहे हैं वो रेलवे कारखाना है, एशिया का प्रथम कारखाना है। अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं काली मंदिर के। अभी हम यमला काली मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब देखिए मेरे पीछे यमला काली मंदिर है और चलते हैं उसके दर्शन कराते हैं। अभी हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर, तो आइए देखते हैं। ये जो आप मेरे पीछे बंधन देख रहे हैं बहुत सारे, इसका भी एक कहानी है। जब यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते हैं तो माँ काली के मंदिर में, तो जब उनकी कुछ मुरादें होती हैं तो वो उनको मांगते हैं इस रूप में, वो लाल कपड़े में पत्थर बांध के लपेट के उसको टांग देते हैं और जब मनोकामना पूरा होता है तो इस जगह से वो पत्थर खोल देते हैं और फिर यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना करते हैं। आइए और भी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। आइए हम यहाँ के पुजारी से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, पुराने इतिहासों के बारे में। ना पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर के बारे में और पुराने इतिहासों के बारे में आप बताएं इस मंदिर के। ये मंदिर प्राचीन काल से है जिसमें अर्जुन आए थे, उस समय ही वो पूजा किए थे और उसी समय से ये मंदिर है। मतलब ये महाभारत काल से ही मंदिर स्थापित है? मंदिर उस समय नहीं था। अच्छा, मंदिर नहीं था उस समय, वो अर्जुन के द्वारा ये स्थापित किया गया। हाँ, उस समय पूजा किया गया, अर्जुन को प्रसाद दिया, उसके बाद पूरा धीरे धीरे विकास हुआ, मंदिर बना। ये जो नया स्ट्रक्चर हम देख पा रहे वो ये हाल फिलहाल के? नहीं, ये है आपका 1932। अच्छा, 1927 का ये स्ट्रक्चर? 1927 में मेन मंदिर बना, उसके बाद आगे का बरंडा 1960 में। अच्छा, 1960 आगे का बरंडा जो 1960 में बना, उसके बाद फिर आगे भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। हाँ, बहुत जगह हम देख रहे हैं काली पहाड़ पे और भी बहुत सारा वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम बहुत चल रहा है, तो
इस जगह पे और टूरिस्ट प्लेस ये अच्छा सा मतलब है, जब 1 जनवरी को हो या काली पूजा को यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगता है। शिवरात्रि में भी बहुत सभी लोग आ ही रहे हैं। तो ठीक है पंडित जी, आपका नाम क्या हो? अरुण। अब हम चल रहे हैं शिवकुंड दिखाएंगे, जो पौराणिक ऐतिहासिक विरासत है और उसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। ये इस शिव कुंड के पानी से ही मंदिर के सारे काम किए जाते हैं, साफ सफाई हो या माँ का पूजा हो, सभी इसी पानी से किए जाते हैं। और ये साल भर में कभी भी नहीं सूखता है और इसका कोई भी स्रोत नहीं है। आप देख पा रहे हैं सीधा पहाड़ के बीचों बीच शिव कुंड है ये, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था जो बिल्कुल नहीं सूखता है। ये अब आपको घुमाते दर्शन कराते हैं राधा कृष्ण बलराम के मंदिर को और दिखाते हैं वो कैसा है। और ये पहाड़ के ऊपर शीर्ष पे स्थित है ये मंदिर। मंदिर के बाहर खोल ले रहे हैं अभी हम और चलते हैं देखते हैं। देखिए इधर से नज़ारा कितना भव्य दिखता है पूरे जमानपुर का। अब हम आ चुके हैं राधे कृष्ण बलराम मंदिर और ये भी ताला लॉक है, तो मैं बाहर से ही आपको दर्शन करा सकता हूँ। अंदर ताला लॉक है। पहले जब हम बचपन में काली पहाड़ आया करते थे तो बहुत कम वृक्ष देखने को मिलता था, हरियाली बहुत कम देखने को मिलती थी। अब सरकार राज्य सरकार की ओर से बहुत ही ज़्यादा कहे तो मतलब प्लांटिंग किया गया है वृक्ष को, और आप देख पा रहे हैं हर जगह आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। और अच्छा सा मतलब कह सकते हैं कि बहुत हरियाली के प्रति राज्य सरकार का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहा है। अब उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, हर जगह ही गाछ है और काफ़ी हरियाली दिखने लगा काली पहाड़, और इसकी वजह से और भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है ये। जब हम नए साल की बात करते हैं तो इस जगह पूरा पिकनिक स्पॉट रहता है, ये पूरा लोग से खचाखच भरा रहता है जगह। और इस जगह मतलब कह सकते हैं कि मुंगेर हो, जबलपुर हो और भी सटे हुए जिला जो भी है, वहाँ से सभी लोग बहुत लोग आते हैं जगह। अगर आपको माँ यमुना काली का दर्शन करके आप ज़रूर कमेंट से बताइएगा। और मुझे बहुत खेद है इस चीज़ से कहने से कि आप वीडियो देखते तो ज़रूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।